हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन। आई होप आप सब मज़े में होंगे, और अगर नहीं भी है तो यार मज़े करो, ज़िंदगी इंजॉय करो, बिकॉज जीना इसी का नाम है। और आज हम आए हैं एक और शूट पे, एंड ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे, विच इज़ हाउ टू शूट वीडियो ऑन मोबाइल, और रैदर हाउ टू शूट अ डांस वीडियो ऑन मोबाइल। एंड मेरे साथ है प्रियंका वंस अगेन, and she would be performing for us today, and I'll be recording on a mobile phone. वैसे तो आप कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं जिसको आप 30-60 FPS पे यूजुअली आप शूट कर सकते हो, तो बेसिकली कोई सा भी फ़ोन चल जाएगा। बट माइंडेड दैट अगर आप किसी एंट्री लेवल स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी अच्छी चाहिए होगी, एंड सो मेरे पास यहाँ काफ़ी सफिशेंट लाइटिंग है। सो बढ़ते हैं आगे इस ट्यूटोरियल के साथ, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे शूट किया जाता है फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। एंड एक और चीज़ यहाँ ध्यान में रखने वाली है कि जिन लोगों ने मेरा इसके पहले वाला वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ उस वीडियो को देख ले, बिकॉज़ उसमें मैंने बताया है कि बेसिकली आपके कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, आपका एपरेचर या शटर स्पीड कितना होना चाहिए, एंड बेसिक सेटिंग्स जो एक DSLR पे अप्लाई होते हैं उसका 80-90% एक स्मार्टफोन में भी अप्लाई होता है, एंड दी कैमरा मूवमेंट्स दैट सेम थिंग अप्लाइज ऑन योर स्मार्टफोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम शूटिंग विद दिस आईफोन 11 प्रो, एंड इसके नीचे मैंने ये एक छोटा सा ट्राईपॉड गोरिल्ला पॉड मैंने लगा रखा है, बिकॉज इट विल स्टेबलाइज माई मोमेंट्स, एंड जब भी मैं ऊपर नीचे या दायां बायां करूँगा इट विल एक्ट एज अ काउंटर वेट, सो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड आईफोन की इन कैमरा स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आईफोन या कोई एक्सपेंसिव DSLR या मोबाइल यूज़ करो, आप कोई भी ऐसा फ़ोन यूज़ कर सकते हो जो 30 FPS या फिर 60 FPS को सपोर्ट करता हो, एंड उससे आपकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। एंड यहाँ सोचने यहाँ देखने वाली बात ये भी है, कोई सी भी स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो टिल यू गेट अ गुड लाइटिंग। जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ माई रिंग लाइट, एंड यहाँ काफ़ी सारे ट्यूब लाइट्स है, सो मुझसे उसमें लाइट फिल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। सो आप कोई सी भी स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो, बस टेक केयर कि आपका जो लाइटिंग है वो एप्रोप्रिएट रहे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे एंट्री शॉट जो कि सेम एज DSLR ही होगा, सो आपको कैमरा मोमेंट आपको वैसे ही करना है जैसा कि आप एक DSLR से करोगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो इट इज़ अ बेसिक मोमेंट, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। प्ले करना डीजे वाले बाबू। सो गाइस, सो दिस इज़ दी बेसिक कैमरा मोमेंट जो आपको एक डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे फॉलो करना है। That's because and also the camera movement that depends on what is the dance form and कौन सा गाना प्ले हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इट इज़ अ काइंड ऑफ पार्टी सॉन्ग, सो आपको अपना आपका कैमरा मूवमेंट भी डांसर के अकॉर्डिंग फ्लिक करते रहना होगा। और अगर ये कोई सूफी गाना होता या फिर ये कोई और स्लो सॉन्ग होता तो आपको अपना कैमरा मूवमेंट भी इसी तरह स्लो रखना पड़ता, एंड इसी तरह से बाकी सारे कैमरा मूवमेंट्स भी आपको करने हैं, एंड इसका जो आउटकम होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। सो लेट्स डू दी एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड ये एक छोटा सा क्लिप होगा जस्ट टू शो कि आप किसी भी स्मार्टफोन से शूट कर सकते हो। सो इस वीडियो का सेकंड पार्ट करके ख़त्म करते हैं। जी इमोशन सारे हैं उड़ते हो
दिस वॉज द कैमरा मोमेंट जो आपको ध्यान में रखना है एंड ऑल द कैमरा मोमेंट डिपेंड ऑन द डांस फॉर्म एंड द सॉन्ग यू आर परफॉर्मिंग इन आई मीन द डांसर इज परफॉर्मिंग इन सो देर इज नथिंग टू सीरियस और समथिंग एंड बस इतना ही है इस वीडियो के लिए गाइज और अगर आपको ये डांस देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में या और मैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा एंड आप जाके मेरे काम को देख सकते हो कि मैंने मतलब यू गाइस जस्ट जज कि ये परफॉर्मेंस कैसा हुआ है सो इतना ही रखते हैं गाइस आई होप आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग कम ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो एंड वंस अगेन थैंक यू टू दिस लेडी प्रियंका तो शी इज़ माई सोल डांसर कम ब्लॉग पार्टनर जिसके साथ मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और डू चेक आउट हर चैनल सो जो मेन वीडियो वो इसके चैनल पे आएगा सो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए गाइस सो जाने से पहले यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना नए हो तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करो यार मैं देखता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो में इट हैज़ क्रॉस 20K व्यूज़ बट देन आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर सो यार प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब करते जाना टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जय हिंद वंदे मातरम ये इमोशन सारे हैं उड़ते गुब्बारे जो तेरी गलियों में आए तब चेंज हुआ ये समझ नहीं आए जो टर्न ये दिल ने लिया रे जरा समझा के जरा हिचका के मैं भी प्यार से करती रही छेड़ खानिया कभी उल्टी तो सीधी छेड़ खानिया करे ऐसी की तैसी छेड़ खानिया कभी उल्टी क्या बोलते हैं उसको सॉरी यूज कर सकते हो वीडियो शूट करने के लिए अंटिल यू गेट अ गुड रोल करते रहना आप कोई सी भी मोबाइल फोन या स्मार्टफोन मूवमेंट बोला ना कैन यू स्टॉप दिस शिट